हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। आज मैं आपके लिए एक ये मल्टी कलर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये बहुत इजी है, सबने बनाया होगा, बट इसमें जब कलर चेंज करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और बनाना तो बहुत आसान है, ये आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, बच्चों की फ्रॉक पे डालिए, मल्टी कलर बहुत सुंदर लगेगा। गर्ल्स का टॉप बनाइए, वो भी बहुत अच्छा लगेगा, और लेडीज़ कार्डिगन में और जेंट्स स्वेटर में ये कलर चेंज हो जाएंगे। जेंट्स वाले लगा लेंगे हम ग्रे, वाइट, येलो और लाइट ब्लू कलर, तो ये जेंट्स का स्वेटर में बहुत सुंदर लगेगा। और अब मैं इसको बना के दिखाती हूँ। इसको यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, और इसमें फंदे का कोई वो नहीं है, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जितने चाहिए उतने डाल लीजिए। और अब मैं इसको बना के दिखाती हूँ, बहुत आसान है बनाना। यहीं से हम इसको कंटिन्यू करते हैं, तो ये डायरेक्ट आप इसमें बॉर्डर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ये शुरू हो जाएगा। पहला फंदा उल्टा, आपकी मर्जी है उतार लीजिए, मैं बनाती हूँ। और दूसरा फंदा, ये देखिए ये सीधा फंदा है, हमें यहाँ से नहीं बनाना है इसको, यहाँ से ये नीचे जो होल दिख रहा है यहाँ से बनाना है और फिर इसको उतार देना है। फिर ये फंदा उल्टा और जो सीधा फंदा ये उधड़ा हुआ है फंदा, तो ये जो वो फंदा है ये यहाँ नीचे होल से बनाना है हमें। अगेन उल्टा फंदा ऐसे सिंपल बनाएंगे, जो सीधा फंदा है वो नीचे वाले होल से लेना है। ये देखिए ये होल दिख रहा है, इसके अंदर से लेना है। और उल्टा और ये होल से लेना है हमें नीचे वाले, और फिर उतार देना है। तो दो ही फंदों का ये डिजाइन है। तो इस तरह से ये पूरी सिलाई बना लेंगे हम। ये हम राइट साइड से बना रहे हैं अभी। ये देखिए ये मेरी सिलाई पूरी हो गई है, और इसका जो कलर चेंज होगा वो रोंग साइड से होगा। अब हम इसका कलर चेंज करेंगे, इसके बाद फिर से वाइट, चाहो तो आप और कलर भी लगा सकते हो, मैं वाइट शुरू कर रही हूँ। और जब कलर चेंज होगा तो पूरी सिलाई हमें उल्टी बनानी है इस कलर से। ये मैंने थ्रेड साथ साथ नहीं चलाया, मुझे चलाना चाहिए था साथ साथ। पूरी सिलाई उल्टी, सिर्फ जब कलर चेंज होगा तभी होगी पूरी सिलाई उल्टी, अदरवाइज तो पैटर्न रहेगा। तो अब ये पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे हम। अब ये देखिए ये मैंने पूरी उल्टी सिलाई दे ली है, अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। तो सीधी तरफ से अब यहाँ से फंदे चेंज हो जाएंगे। पहला फंदा उल्टा, अब यहाँ देखिए ये फंदा जो सीधा दिख रहा है, अब इसको हम कलर जब चेंज होगा तो चेंज करेंगे, उल्टा बनाएंगे और धागा उस तरफ, और ये फंदा उल्टा दिख रहा है और इसको सीधा बनाएंगे और नीचे से ही बनाएंगे। ये देखिए नीचे से धागा आगे, ये फंदा सीधा जो है इसको उल्टा बनाएंगे, धागा उस तरफ, जो फंदा उल्टा है उसको सीधा और नीचे से। जब कलर चेंज होगा तो फंदे भी चेंज हो जाएंगे, उल्टा फंदा सीधा नीचे से। ये सीधा है तो उल्टा हो जाएगा, और ये उल्टा था अब ये सीधा हो जाएगा। तो ये पूरी सिलाई हम इस तरह से बना लेंगे।
ये इस सिलाई का, अब ये इस सिलाई का लास्ट फंदा है ये उल्टा। अब हम इसकी रॉन्ग साइड आ गए, ये वाला फंदा हमने उधर से उल्टा बनाया था, यहाँ पे सीधा, आपकी मर्जी है तो उतार लीजिए। और ये फंदा उल्टा और ये जो सीधा सीधा, यहाँ पे भी उल्टी तरफ से भी हम नीचे से ही बनाएंगे इसको, यहाँ से एक फिर से फंदा उल्टा और ये फंदा सीधा और नीचे से बनाएंगे। सीधा तो इस तरह से ये पूरी सिलाई हम बना लेंगे। तो ये देखिए ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई। तो अब ये देखिए, तो ये इस तरह से एक बड़ा सुंदर सा डिज़ाइन बन के रेडी हो जाता है। और एक इस चीज़ इसमें और है, थोड़ी सी वूल इसमें फालतू लगेगी इस पैटर्न में, जब आप अपने अकॉर्डिंग लेने जाएं तो एक दो बॉल फालतू ले लीजिएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, डिज़ाइन पसंद आया, बताने का तरीका पसंद आया, तो इसको मैक्सिमम शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।